तो गाइस आपका भाई फिर से वापस आ गया। और इससे पहले तो मुझे एक तो बंदर ने फेसबुक में पूछा भाई जिम लीडर कैसे बनना है, तो मैं आपको बता दूं जिम लीडर बनने के लिए आपको लैडर कॉन्टेस्ट प्ले करना होगा और उसकी टाइमिंग जो है इंडिया में वो है रात 1:30 से 2:30। जी हाँ, ये रात 1:30 से 2:30 होता है और बहुत कम प्लेयर इंडिया से खेलते हैं लैडर कॉन्टेस्ट स्पेशली। पर अगर आपको वो जिम मास्टर बनना है, रॉक मास्टर बनना है, फिर जो जो जिम्स के जो जो मास्टर आपको बनना है तो आपको प्ले करना पड़ेगा। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे बना रॉक मास्टर। तो मैंने तो एक्चुअली जितने भी मेटल्स है वो सब ज़्यादातर जीते ही, पर एक दो में हारा भी। ठीक है, ऐसे मुमकिन नहीं है कि सारे आप जीत जाओ। एक दो में हारा जो VIP 15 प्लेयर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा हारा, बुरी तरह से हारा, क्योंकि उनके पास जो उनके जो टायरेंटॉर्स थे वो एविकेट 1 थे और 2-2 या फिर 3-3 टायरेंटॉर्स R2 वो लेके मैच में उतरे हैं और आपका भाई के पास तो सिर्फ एक ही है अभी। हाँ, आपका भाई अभी दूसरा बनाने ही वाला है, बहुत जल्द बना लूँगा मैं। तो मैंने ज़्यादातर शुरुआती सारे मैच जीते, फिर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ गाइज, ये ध्यान से नोटिस कीजिएगा। तो मैं एक बंदे से मिला जिसका नाम था एशो उसका नाम था। ठीक है, आप उसको ध्यान से देखिएगा, ये बंदा इतना कमज़ोर था, आई मीन लाइक इसके शायद ये टिक पाता किसी और के सामने, और ये बंदा टॉप 2 में आ गया था। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, अगर आपको रॉक मास्टर बनना है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं स्ट्रॉन्ग टीम की, आपको बस एक ज़रूरत है एक पार्टनर की जो आपके साथ मैसेंजर पर ऑनलाइन हो, फेसबुक मैसेंजर पर। तो आप एक ये देखिए, यही वो बंदा रिक्रिएट का है तो ऑब्वियसली चीटर ही होगा। तो मैं बता दूँ आपको करना क्या होता है, आपको अगर रॉक मास्टर बनना होता है तो आपको ऑब्वियसली एक पार्टनर चाहिए होता है जो आपको पॉइंट दे और बदले में आपसे पॉइंट भी ले। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट बूस्ट कर करके आप लोग टॉप में पहुंच सकते हो और टॉप 10 में आराम से जा सकते हो और आराम से एक जिम लीडर बन सकते हो। आप किसी भी जिम के लीडर ऐसे बन सकते हो अगर आप पॉइंट बूस्ट करते हो इनकी तरह। तो पर ऐसा क्या होता है ना, जो आप लोग होते हो तो आप लोग नज़र में आ जाते हो टॉप प्लेयर्स के और वो आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि आप उन्होंने चीटिंग करके हासिल की। तो जब वो आपको रॉयल बैटल या सब में देखते हैं तो आपको ही स्पेशली टारगेट किया जाता है क्योंकि आप चीटर हो और बहुत ही ज़्यादा आपका हालत ख़राब कर दिया जाता है रॉयल बैटल्स में, ब्लडी बैटल्स में। तो मैं तो कहूँगा कि अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो यार कुछ भी लीडर बनने के लिए कुछ भी कर लो। ठीक है, तो मैं तो एडवाइस हमेशा ही करूँगा फेयर ही कर लो, पर अगर आप बनना चाहते हो, एक बार बनना ही चाहते हो तो एक बार ट्राई कर लो, उसमें कुछ बुराई नहीं है। तो आपको बस एक अपने पार्टनर को ढूंढना है जो आपको पॉइंट दिए बदले में आपसे पॉइंट लिए। फॉर एग्जांपल आपने उसे पहले पॉइंट दिया, फिर मैं दूसरे मैच दूसरे बार एक ही टाइम पर आप दोनों को क्लिक करना है मैच में, फिर जब वो आपसे मैच होगा वो आपको पॉइंट देगा, फिर आप उसको पॉइंट दोगे, फिर वो आपको पॉइंट देगा, ऐसे दे के आप लोग टॉप में पहुँच सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है और बहुत ही ज़्यादा लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, खासकर तो ऐसे ही प्लेयर इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हो कैसे कैसे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मैंने बैटल्स किया और जिन के साथ मैंने बैटल्स किया उनमें से सारे तो स्ट्रॉन्ग ही थे, पर कुछ तो अल्ट्रा लेजेंड थे। मैं बता दूँ जिनके जो टायरेंटर्स है वो EVK 6 थे या फिर 5 थे, तो उनको हराना नामुमकिन था। बहुत ही ज़्यादा पैसे ये लोग खर्च करके खेलते हैं, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो जब बात आई कि गाइस मैं तो जैसे तैसे बन गया, मैं रैंक 7 में आया, फिर भी मैं सिर्फ आधा घंटा ही खेला क्योंकि मैं सो गया था। मैं झूठ नहीं बोलूँगा गाइस, मैं सो गया था, मैं खेलते खेलते सो गया। और अगर आप फेयर खेलने जाओ तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपको चैम्पियन लीडर बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई लोग ऐसे उतरते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, VIPs होते हैं, टॉप लेवल के VIPs होते हैं, तो उनसे तो जीत ही नहीं पाओगे। जब तक आप अगर लो लेवल के प्लेयर हो, आपके पास कोई R2 वगैरह नहीं है, सिर्फ एक मेगा है और ज़्यादा पोकेमोन भी नहीं है, तो आप वही पॉइंट बूस्ट कर सकते हो। यहाँ नहीं, आप तो वर्ल्ड लीग में भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, क्योंकि पॉइंट बूस्ट हर जगह है आजकल। अगर आपको रैंक में आना है, टॉप में आना है, बिना मेहनत किए तो आप कर सकते हो, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं, वो इज्जत आपको नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। ठीक है, खुद मेहनत करो, एटलीस्ट एक दो मैच जो जीत जाओगे ना मेहनत करके उसमें ज़्यादा अच्छा। इन लोगों की तरफ पॉइंट बूस्ट करके ऊपर आ भी गए तो क्या वजह। हाँ, अगर आप एक बार दो बार आना चाहते हो, वो जो लोगो आपके सर के ऊपर आप लाना चाहते हो तो कर लो, इसमें कोई बुराई नहीं। आप कह सकते हो कि हाँ मैंने पहले कभी नहीं किया, तो मैंने एक बार ट्राई किया था, बस मुझे वो लोगो चाहिए था अपने सर पर, एक बार कर लेने में कोई बुराई नहीं है।
तो आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको जिम लीडर बनना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन फेयर खेले थे इसमें। तो पहला जो जी डी टायरॉन है ये बंदा फेयर खेला था बिल्कुल ही, VIP 15 है, इतने सारे पैसे खर्च किए इसने। उसके बाद आता है टोको, तो ये बंदा अभी फेयर खेला था, इसके इसी से मैं हारा था। इसके बाद दो टैरेंटोर्स हैं और वो भी एवरकिंस और R2 है, तो पैसे खर्च किए नहीं तो ये नहीं जीतता इससे। और मैं बता दूँ जो रैंक 2 और 3 बंदे ये दोनों एक दूसरे के साथ पॉइंट बूस्ट कर रहे थे, और रैंक 4 वाला बंदा भी ये भी पॉइंट बूस्टर ही है। और लास्ट में आता है रैंक 10 वाला, तो शायद वो जीत के पहुंचा होगा क्योंकि पॉइंट्स कम है, फिर भी रैंक बूस्टर ही लग रहा है मेरे को। पर जो टॉप 2 में है ना 1 2 3 2 और 3 एक्चुअली पॉइंट बूस्टर है। तो गाइस होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।